हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीआई का फर्जी आईपीएस अधिकारी बन घूम रहे युवक को पाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक से फर्जी आईडी कार्ड, एयरगन, वॉकी टॉकी, हैंडसेट किया बरामद। पाली जिला मुख्यालय पर पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशानुसार सीबीआई का फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के आदेश अनुसार कोतवाली थाना अधिकारी गौतम जैन में टीम द्वारा पाली सर्वोदय नगर निवासी पूसाराम पुत्र रामचंद्र जाति भार्गव को गिरफ्तार किया। उक्त युवक निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाने और फर्जी आईडी के माध्यम से ठगी करने के फिराक में था। पुलिस द्वारा उक्त युवक के कब्जे से फर्जी आईपीएस अधिकारी का आईडी कार्ड, वॉकी टॉकी, हैंडसेट, एयर गन बरामद की। अभियुक्त राजीव शर्मा के नाम से आईपीएस अधिकारी का एक परिचय कार्ड अपना फोटो लगाकर बनवा दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी सीबीआई आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। गत कुछ समय से पाली शहर के कुछ लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष और कोतवाली थाने पर टेलीफोन पर सूचना दी कि सर्वोदय नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता है और कई लोगों के साथ चीटिंग करने की फिराक में भी है, अनुचित सुविधाओं का लाभ भी उठाने की हर बार वो फिराक में रहता है। इस पर थानाधिकारी कोतवाली श्री गौतम जैन को विशेष रूप से हिदायत दी थी कि इस बारे में वो विस्तृत जानकारी करें। कल उन्होंने सर्वोदय नगर क्षेत्र में सादा वस्त्रों में कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया। खुद भी उन्होंने रेकी करने के उपरांत में एक युवक उनकी पकड़ में आया है जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता है। उस युवक के घर की तलाशी ली गई तो उसके पास आईपीएस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म बरामद हुई है और यूनिफॉर्म में जितने भी यूनिफॉर्म के आइटम्स होते हैं वो सारे उसके पास मिले हैं। एक आईडी कार्ड भी मिला है जिसमें अपना आपको वो राजवीर शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा के नाम से बनाया हुआ है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।